नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंगी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10th of September 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोज को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो Don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी चीज, प्ले स्टोर से जाकर आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। लॉग इन साइनअप करने के बाद वहां पर सर्च कीजिएगा आप लोग अविजन इंस्टीट्यूट, कुछ इस प्रकार का आपको आइकन दिखाई देगा, उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है दोस्तों, ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और साथ ही साथ उनकी पीडीएफ भी आप लोग को वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा आपको मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल कर भी अपनी क्वारीज को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। ये रहा, इंडिया हैज बीन चूजन एज द होस्ट नेशन फॉर G20 summit in which of the upcoming years? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया हैज बीन, मतलब बेसिकली तो G20 summit की जो मीटिंग्स होती है तो वहां पर इंडिया कौन से साल में दोस्तों होस्ट नेशन का किरदार निभाएगा। ठीक है, ऑप्शन है आप लोग के पास 2023, 2022, 2024, 2025। Here the correct option will be option number A, that is 2023। ठीक है, तो मतलब 2023 में दोस्तों इंडिया होस्ट नेशन होगा किसका, G20 summit का। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी बात हम लोग कर लेते हैं। तो इंडिया टू होस्ट G20 summit in 2023, पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा दोस्तों कि यहाँ पर शेरपा किसको बोला बनाया जाएगा, तो ये पीयूष गोयल जी के मध्य हिस्से में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बेसिकली शेरपा होता क्या है, अ शेरपा इज अ डिप्लोमैट हु अंडरटेक्स प्रिपरेटरी वर्क प्रायर टू समिट कॉन्फ्रेंस। बेसिकली जो दोस्तों समिट होता, मतलब जो कॉन्फ्रेंस होती है, जो समिट की कॉन्फ्रेंस होती है, उससे पहले जो काम किए जाते हैं, ठीक है, जो प्रिपरेशन के काम किए जाते हैं, उसको जो उसकी जो सुपरवाइजरी रहती है वो किसके हाथ में रहती है, शेरपा के हाथ में। और इस बार हमारे इंडिया के जो शेरपा बनेंगे कौन बनेंगे, पीयूष गोयल, ये दो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। पीयूष गोयल जी जो कि क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उनको यहाँ पर बनाया जाएगा। दोस्तों ये जो आपका 2023 में जो एडिशन होने वाला है G20 समिट का, वो 18वां होने वाला है। ठीक है, ये भी आप लोग को बात ध्यान रखनी है कि 18वां एडिशन यहाँ पर रहेगा। 2021 का एडिशन G20 मीट का जो था वो रोम और इटली में हुआ दोस्तों, और 2022 का जो होने वाला है वो बाली इंडोनेशिया में होने वाला है, 2023 का फिर आपका इंडिया में होगा। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। वॉट अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू द PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर बाय द यूनियन कैबिनेट। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों कुछ फंड एक्यूमुलेट हुआ है, एलोकेटेड हुआ है, सॉरी, किसको, टेक्सटाइल सेक्टर को, बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये आप लोगों को बताना है दोस्तों कितना फंड है, ठीक है, कितने अमाउंट का फंड है। यहाँ पर ऑप्शन है 9,555 करोड़, 12,753 करोड़, 10,683 करोड़ और 11,964 करोड़। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10,683 करोड़। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। कैबिनेट अप्रूव्स पीएलआई स्कीम्स वर्थ 10,683 करोड़ फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। The Union Cabinet has approved the Production Linked Incentive Scheme for textile sectors with a budgetary outlay of 10,683 crores over the next 5 years. The initiative will help to boost the domestic manufacturing and exporters. The PLI scheme for textiles will apply on MMF, that is man-made fiber, apparel, MMF fabrics and 10 segments product of technical textiles. ठीक है, तो ये बात आप लोगों को इधर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इस स्कीम के अंदर 10,680 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली टेक्सटाइल सेक्टर को दोस्तों क्या हुआ है, एलोकेट हुआ है। तो पीएलआई स्कीम वाज अनाउंस इन द यूनियन बजट 2021-22 फॉर द 13 सेक्टर्स एट एन आउटले ऑफ रुपीज 1.97 लाख करोड़। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस के हिसाब से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया टॉलेस्ट एयर प्योरिफिकेशन टावर हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट और यूटी ऑफ द कंट्री।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कि इंडिया का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे लंबा, सॉरी, प्यूरिफिकेशन टावर जो है वो कौन सी सिटी या फिर यूनियन टेरिटरी में इंस्टॉल किया गया है। ऑप्शन है आप लोग के पास दिल्ली, तमिलनाडु, आसाम, चंडीगढ़। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चंडीगढ़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे भी माहौल एयर पॉल्यूशन वाला चल ही रहा है दोस्तों, हमें पता ही है, तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए एयर प्यूरिफिकेशन टावर्स की इंस्टॉलेशन के पर क्वेश्चन आना मोटा मोटी लाजमी रहेगा। ठीक है, तो इंडिया टॉलेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन टावर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ ऑन सेप्टेम्बर 8, 2021। द टावर हैज बीन इंस्टॉल्ड एट एन इनिशिएटिव ऑफ चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी CPCC एट ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 बाय पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा दोस्तों, नाम ध्यान रख लेना भैया, चंडीगढ़ में हुआ है। कितने मीटर हाई है ये? 24 मीटर हाई है। ठीक है, 24 मीटर का ये पूरा रहेगा। अच्छा, दिस इज द हाईएस्ट एयर प्यूरिफायर टावर ऑफ द कंट्री एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 500 मीटर एंड 24 मीटर हाई। द प्यूरिफिकेशन टावर विल क्लीन 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट ऑफ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट। तो दिस इज नाइस, दिस इज गोना बी वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, द चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। अगेन एक क्वेश्चन चंडीगढ़ से ये दोस्तों, तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड विद द 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय FSSAI। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन इन इंडिया आर नाउ अवार्डेड विद दिस सर्टिफिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों चंडीगढ़ को FSSAI के तहत रिकॉग्निशन मिली है कि 5-स्टार ईट राइट स्टेशन है, मतलब यहाँ पर खाने के सारे सामान बड़े ही क्वालिफाई वाले मिलेंगे, मतलब क्वालिटी वाले मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कितने हमारे इंडिया में ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनको ऑलरेडी सर्टिफिकेशन मिल चुका है? 1, 3, 7, 5। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं पूरी इसकी। तो दोस्तों चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ऑफ द इंडियन रेलवे हैज बीन अवार्डेड विद द 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो चंडीगढ़ है दोस्तों वो 5th स्टेशन बना है। बाकी के 4 कौन से डेफिनेटली हमें पढ़ना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और वडोदरा रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये 4 हो गए, 5वां आपका कौन सा हो जाता है? चंडीगढ़ हो जाता है। ठीक है, तो FSSAI क्या करता है दोस्तों, ये ग्रांट करता है सर्टिफिकेशन टू रेलवे स्टेशन विच मीट स्टैंडर्ड फूड स्टोरेज एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर्स। ठीक है, सर्टिफिकेशन इज अ पास पार्ट ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट ऑफ FSSAI टू ट्रांसफॉर्म कंट्रीज फूड सिस्टम टू एंश्योर सेफ्टी हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड फॉर ऑल द इंडियंस। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी है, इंपॉर्टेंट रखनी होगी, इंपॉर्टेंट जाननी होगी दोस्तों कि ये यहाँ पर 5 इंडिया में से 5 स्टेशन है जो कि क्या है, बिल्कुल ईट राइट स्टेशन के सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेशन इनको मिला हुआ है किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, बेबी रानी मौर्य हैज अनाउंस्ड हर रेजिग्नेशन एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो दोस्तों यहाँ पर बेबी रानी मौर्य कौन से स्टेट की गवर्नर है और उन्होंने ये रेजिग्नेशन यहाँ पर दे दिया, आपको स्टेट का नाम बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, केरला। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड गवर्नर बेबी रानी मौर्य रिजाइन्स। तो उत्तराखंड गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैज अनाउंस्ड हर रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोजीशन ऑन सितंबर 8, 2021, ऑलमोस्ट 2 इयर्स बिफोर कंप्लीटिंग हर टर्म, साइटिंग पर्सनल रीजंस। द 64-year-old बेबी रानी मौर्य वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ उत्तराखंड इन ऑगस्ट 2018, सक्सीडिंग कृष्ण कांत पॉल। ठीक है, प्रायर टू बिकमिंग द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड शी सर्वड एज अ मेयर ऑफ आगरा इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 1995 to 2000। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों गवर्नर होने से पहले ये मेयर भी रह चुकी है आगरा की 1995 से लेकर 2000 तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेम द पोर्टल लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट टू रेगुलेट एयर पॉल्यूशन इन 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज अक्रॉस द कंट्री। प्राण, हरियाली, परिवेश, वायु। Here the correct option will be option number A, that is Pran. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर on September 07, 2021, the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, launched a portal named Pran for regulation of air pollution in 132 cities across the country. ठीक है, तो Pran
ट्रांस ट्रेंच फॉर, सबसे इम्पोर्टेंट इसका फुल फॉर्म है ना, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज. द प्राण पोर्टल कैन बी असेस्ड थ्रू प्राण cpcb.gov.in. ठीक है, द सिटीज विच कम्स अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम विल बी कवर्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो डेडिकेटेड द फर्स्ट फंक्शनल स्मॉग टावर ऑफ इंडिया इंस्टॉल्ड इन आनंद विहार इन न्यू दिल्ली टू द कंट्री. ठीक है, ये बात भी आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं याद रख लेना. बस हाँ, इस पोर्टल का नाम आपको याद रहना चाहिए और इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए दोस्तों. ठीक है, और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो आपके यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, दैट इज भूपेंद्र यादव. नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 22 एज पर द S&P ग्लोबल रेटिंग? 8.5%, 7.5%, 9.5%, 10.5%. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9.5%. ठीक है, तो यहाँ पर S&P ग्लोबल रेटिंग प्रोजेक्ट इंडिया जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 एट 9.50%, फाइनेंशियल ईयर 23 एट 7%. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों S&P ने क्या किया है, रिवाइज किया है इंडिया का फोरकास्ट, जीडीपी फोरकास्ट, जिसमें 2021-22 के लिए वो 9.5% रहेगा और 7% रहेगा 2022-23 के लिए. ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है. और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर BBB माइनस रेटिंग दिया गया इंडिया को, ये भी बात आप लोग देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. HDFC बैंक हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू MSME सेक्टर? तो यहाँ पर HSBC बैंक ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है दोस्तों, ताकि वो क्रेडिट सपोर्ट दे सके, क्रेडिट प्रोवाइड कर सके MSME सेक्टर्स को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग रिलेशन, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस से मिलाकर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बन सकता है. ऑप्शन है आप लोगों के पास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन. ठीक है, NSIC. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन. ठीक है, तो HDFC बैंक पार्टनर्स विद NSIC टू प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू MSME. ठीक है, तो HDFC बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन टू प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, दैट इज MSME सेक्टर. द ब्रांचेस ऑफ HDFC बैंक विल एक्सटेंड सपोर्ट टू MSME प्रोजेक्ट्स इन द एरिया दे आर लोकेटेड एंड टू अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स अक्रॉस द कंट्री. राइट, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. साथ ही साथ दोस्तों जो आपका NSIC है, इट्स एन सर्टिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME. ठीक है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखना है कि ये सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. ठीक है, जिसके साथ HDFC बैंक क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, ताकि वो MSME को क्या कर सके, क्रेडिट सपोर्ट दे सके. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. विच बैंक हैज लॉन्च द POS डिवाइस वाइस पॉज गो एंड ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन टू प्रोसेस बिजनेस पेमेंट्स? इंडसलैंड बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका बैंक और आंध्रा बैंक? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटका बैंक. तो यहाँ पर दोस्तों कर्नाटका बैंक लॉन्चेस POS डिवाइस दैट इज वाइस पॉज गो. ठीक है, नाम ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, वाइस पॉज गो फॉर मर्चेंट कस्टमर्स. द कर्नाटका बैंक हैज लॉन्च ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन dubbed as Wise POS Go for its merchants customers to process business payments. Wise POS Go is a compact, lightweight and user-friendly device designed keeping in a view to specific cost-centric requirements for the banks of MSME customers. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें बात exam point of view से और banking awareness से related ध्यान रखनी है दोस्तों, वो क्या कि भैया कर्नाटका बैंक ने यहाँ पर क्या किया है, Wise POS Go को launch किया है merchant customers के लिए. बस ये एक POS device है दोस्तों, point of sale डिवाइस. ठीक है, स्वाइपिंग मशीन होती है ना, आपको पता है जहाँ पे हम लोग कार्ड स्वाइप करते हैं, बेसिकली वो मशीन है. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के हमारे सेशन का. विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द UN टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एडुकेशन फ्रॉम अटैक? ठीक है, 9th सेप्टेंबर, 7th सेप्टेंबर, 6th सेप्टेंबर, 8th सेप्टेंबर? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9th ऑफ सेप्टेंबर. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एडुकेशन फ्रॉम अटैक, ये आपका कब मनाया जाता है, आपका 9 सितंबर को मनाया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर थीम नहीं है, तो थीम हमें नहीं पढ़नी है दोस्तों, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा. अच्छा, पर्पस क्या होता है इस दिन का, टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफगार्डिंग स्कूल्स एज अ प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी फॉर स्टूडेंट्स एंड एडुकेटर्स एंड द नीड टू कीप एडुकेशन एट द टॉप ऑफ द पब्लिक एजेंडा. ठीक है, तो बेसिकली स्कूल्स को
और टीचर्स को, स्टूडेंट्स को एक प्रोटेक्शन मिले, इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम 9 सितंबर एज इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ऑन 29 मई 2020, ठीक है। तो ये इस दिवस को पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था, 2020 में मनाया गया था, मतलब 2021 का इसका दूसरा साल रहेगा, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि जब भी कोई एग्जाम एस्पिरेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहे या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करना चाहता है या फिर बैठना चाहता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।